देश में कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 15,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद लापरवाही की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती। लेकिन यूपी के गोंडा में जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली से बाइक सवार दो युवक जिला अस्पताल पहुंचे, जिनमें से एक युवक ने 15 तारीख से पहले अपना थर्मल चेकअप कराया था, जिसमें बुखार नहीं पाया गया था। फिर भी उसकी सैंपलिंग की गई, लेकिन उसे क्वारंटीन नहीं किया गया, जिसके बाद युवक अपने गांव चला गया। और आज आई रिपोर्ट में युवक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद मरीज को लेवल 1 के पंडरी कृपाल CHC में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे प्रांत से आने वाले लोगों को शेल्टर होम में क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन इस मामले में युवक का सैंपल लेने के बाद उसे घर भेज दिया गया, जहां वो 2 दिन तक अपने घर पर रहा, जिसके बाद वो जिन लोगों से मिला है उन सभी को कोरोना से संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन का क्या कुछ कहना है वो भी आपको। जो हमने सैंपल भेजे थे उसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट हमें मिली है। जो पेशेंट मिला है उसको L1 फैसिलिटी जो हमारी क्वांटरी प्रकाल में बनाई गई है उसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की फैसिलिटी जो हमारी गोंडा में स्थापित है उसमें किया गया है। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके रिपोर्टें नेगेटिव थी, पर उनको भी एहतियातन हमने अपनी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी में उनको शिफ्ट कर दिया है। गाँव को सील करने की कार्रवाई हमने कर दी है। वहाँ पर 1 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट की एक्टिविटी की जा रही है। वहाँ पर चिकित्सा विभाग और हमारी दूसरे अन्य विभागों की मदद से टीमें बनाते हुए घर घर वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है, ताकि किसी कोई भी ऐसा कोई सैंपल ना बचे जिसकी हम जांच ना करा पाए, या फिर कोई भी ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिसके अंदर कोई लक्षण। पूछने वाली बात यह है कि रिपोर्ट आने से पहले ही युवक को क्यों जाने दिया गया और क्यों नहीं उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया। गोंडा से न्यूज के लिए राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।